जो माउंटेन एवरेस्ट है उसका आधा हिस्सा नीचे अपनी तरफ बहुत सारी वो बारिश ऐसी है ना रुक रुक के आ रही है। क्या लेना है भाई? डॉडर लेनी है तो भाई हमारे राजेंद्र भाई ने लिया यहाँ से चश्मा रेबिन का ना। हाँ, ओरिजिनल ओरिजिनल रेबिन मात्र 10,000 का अल्टीमेट है। तो आप भी यहाँ से बाय कर सकते हो। यहाँ पे दुकानें आपको मिलती रहेंगी छोटी मोटी खाने पीने की, और जो रास्ता है वो कॉन्क्रीट का बना हुआ है। अच्छा है रास्ता, फिलहाल आगे आपको दिखाते हैं कि रास्ता कैसा रहने वाला है हमारा। अंधेरा ज्यादा दिख रहा है। आप नहीं तो भाई 10,000 का चश्मा लिया है। घोड़े की फैसिलिटी के साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है एक फ्लैट सरफेस एरिया। सोच रहा हूँ यहीं टेंट लगा लेते हैं। नीचे वाला रास्ता था, ये प्लेन सरफेस है, और यहाँ पे पत्थरों से और कंक्रीट से बना हुआ रास्ता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम ले रहे हैं शॉर्टकट जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट मज़ेदार रास्ता है। 1.5 किलोमीटर का गैप है, वो यहाँ से कम होने वाला है। जो भाई शॉर्टकट नहीं लेना चाहते तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कंक्रीट वाले रास्ते से आराम आराम से चलते हुए जाएं। एज़ कम्पेयर टू केदारनाथ, तो मैं यहाँ की बात करूँ तुंगनाथ टेम्पल की, यहाँ पे ना तो ज़्यादा घोड़े वाले हैं जो कि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ पे ट्रैफिक भी कम है, लोग ज़्यादा नहीं हैं, लोग गिने चुने ऊपर जा रहे हैं, उनमें से हम भी एक हैं। दीपक भाई और राजेंद्र भाई आगे जा चुके हैं तो मैं कवर अप करता हुआ जा रहा हूँ। एक टाइम में यहाँ से भी रास्ता हुआ करता था जो कि पत्थरों और मिट्टी से बना हुआ था, भुरभुरी मिट्टी है, तो ये कुछ इस टाइप का है। नीचे वाला रास्ता बहुत अच्छा क्लियर है। वो छेद में गया चूहा, खतरनाक वाला। तो गाइस आज मौसम भी बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है, ठंडी ठंडी हवा चली है, और ऊपर से जो इतनी अच्छी साइट है ना भाई, इतनी अच्छी सीनरी है ना, ये आपका जो दिल है ना गार्डन कर दे रही है भाई। पूरी ब्यूटीफुल वैली, ऊपर हल्के हल्के बादल हैं जो कि कभी भी बरस सकते हैं। यहाँ पे बीच में धूप है, कहीं जगह छाँव है, यहाँ पे है ना तो ज़्यादा चढ़ाई है और ना तो ज़्यादा भीड़ है। आप कहीं से भी ऊपर चढ़ सकते हो, शॉर्टकट ले सकते हो, और ना आपकी बॉडी को थकावट फील नहीं होती जितना भी रास्ता आप चलते जाते हो। आप देख सकते हो लोग कहीं कहीं से चढ़ रहे हैं। ये है हमारी 20 ग्राम प्रोटीन बार, भूख लगी थी बहुत तेज, तो इससे हमारा लंच जो है कंप्लीट हो जाएगा। हल्के हल्के बादल जो है गरज रहे हैं। ये देखो लोगों ने अमूल दूध पिया, यहाँ पे फेंक दिया। जब आप इसको भर करके लेके आते हो भाई तो आपको उसका बोझ नहीं लगता, और जब खाली कर देते हो और फेंक देते हो तो आपको इसका बोझ लगने लग जाता है यार। तो भाई प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत किया करो। अपने बैग में एक छोटा सा कॉर्नर रखो जिस पे आप जो है ये गंद सारा डाल सकते हो। हमारे कैमरा में वो बोतल दिख रही है, ये पैकेट दिख रहा है, ये छोटे छोटे रैप्स दिख रहे हैं। अपने साथ जो भी चीज़ें लेके आते हो ना भाई उनको साथ में ही लेके जाया करो। आपको ना वहीं से आना पड़ेगा, आपको रिवर्स ही जाना पड़ेगा क्योंकि स्किट होने का खतरा है यहाँ से। तो भाई जितना भी स्किट ना ले, स्किट बोलो, इतना भी शॉर्टकट ना ले कि आप स्किट होकर के सीधा नीचे पहुँच जाओ। तो जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं वैसे वैसे
ठंड बढ़ती जा रही है, बादल जो है एक विकराल रूप धारण कर रहे हैं भाई, आप देख सकते हो मौसम एकदम चेंज हो गया है। एक तो बारिश का मौसम ऊपर से हो रहा है, इधर देखो, और दीपक भाई की कैप देखो भाई, टप 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 पानी गिर रहा है, इधर बारिश पहले होगी। अभी देखते चंद्रशिला तक हम अगर जा पाते हैं कि नहीं। तो भाई अगर बारिश रही तो फिर कैसे जाएंगे चंद्रशिला, कुछ बताएंगे हमें आप? जैसे चल रहे पैदल। बारिश हो चुकी है स्टार्ट, और भोले बाबा के जो पहले दर्शन हमें यहाँ से हो रहे हैं वहाँ पे अच्छा कथावाचक चला हुआ है। कह रहे भैया रेनकोट, तो गाइज यहाँ पे रेनकोट भी आपको अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, छोटी सी मार्केट है, बट आपको जरूरत की हर एक सामग्री यहाँ मिल जाती है। खाना पीना रहना सहना हर एक चीज़ अवेलेबल है। फर्स्ट व्यू जो है मंदिर का वो बहुत ही क्लासिक है। और बारिश भाई कंटिन्यू है, छाता मैंने ले रखा है इसीलिए क्योंकि कैमरा के ऊपर पानी की बूंदें आ रही है बार बार। तो गाइस अभी तुंगनाथ के हमने मोटे मोटे दर्शन किए हैं क्योंकि एनर्जी लेवल अभी बहुत डाउन है। अभी जा रहे हैं हम चंद्रशिला और देखते हैं वहाँ पे क्या रहता है हमारा। वहीं पर स्टे कर रहे हो क्या या वापस आओगे? वहीं पे देखते हैं, वैसे फिलहाल फुल फ्लैश प्लान वहीं पे रहने का। ये क्या रात क्या बोल रहे थे, कितने बजे? 7:30 बजे तक, 8:30 बजे तक रहते हैं ओपन मंदिर। उजाला है मतलब अंधेरे में चला नहीं जाएगा ना, चंद्रशिला होके आ जाएंगे हम, थोड़ा देर से चलेंगे तो आ भी सकते हो, 1 घंटा जाने को 1 घंटा आने को। गाइस यहां से होता है हमारा चंद्रशिला का ट्रैक शुरू। और अभी मेरी गोप्रो की जो बैटरी है भाई दोनों की दोनों डिस्चार्ज हो चुकी है। ये कुछ ऐसा रहता है यहाँ से, तो भाई जो रास्ता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट जो है मज़ेदार है। अभी हम ढूंढ रहे हैं कि हम अपना टेंट पिच कहाँ करें, अपने टेंट को कहाँ लगाएं, उसी की कसमकस चली हुई है। और आगे दोनों भाई मेरे चले हुए हैं और मौसम हो रखा है एकदम सुहावना, बारिश हो रही है हल्की हल्की। वैसे तो हमारा टेंट यहाँ भी लग सकता है बट यहाँ पर पानी आ रहा है ऊपर से। गोप्रो भाई फिलहाल हाथ में है, इसकी बैटरियाँ डेड। भाई सीनरी इतनी ज़बरदस्त है ना कि क्या बताऊँ, क्या नज़ारे हैं। और फिलहाल मेरे गोप्रो की बैटरी जो है चार्ज हो चुकी है। नीचे है हमारे तुंगनाथ मंदिर बाबा जी का, वहाँ से लेकर के हम पैदल 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 यहाँ तक खोजते हुए आ गए। तो यहाँ पे लगा रहे हैं हम अपना टेंट, और वहाँ है चंद्रशिला। अपना टेंट लगा के बैग वगैरह यहाँ पे रख के हम जाएंगे चंद्रशिला ऊपर दर्शन करने के लिए। बारिश हो रही है कंटिन्यू, और मौसम जो है भाई इतना अच्छा ग्रीनरी इफेक्ट आ रहा है ना कि मैं उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। हाँ अल्टीमेट जगह भाई यहाँ तक, मुझे लगता है आज तक किसी ने टेंट लगाया होगा। छह बजकर 16 मिनट हो चुके हैं, हमारे पास फिलहाल पानी नहीं है और हमने यहाँ पे टेंट जो है पिच कर दिया है। एमटीआर की हम बिरयानी लेके आए थे, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो गैस इधर जला के रखी है। दिखाओ भाई, दीपक भाई और राजेंद्र भाई जाएंगे पानी लेने। आप देख सकते हो भाई मेरी आदत बहुत खराब है। ओ भाई ऐसा मत करो यार, टेंशन ना ले, कम करो कम। क्या नजारा आ गया बाहर, देखे बाहर का आप नजारा देख सकते हो कि क्या गजब का है। और यहाँ पे हमारी मैगी बन रही है भाई, आप दिखा सकते हो बाहर का नजारा। आई विल शो यू। अरे भाई क्या भाई, यार ये आपका बर्तन सेट छोटा है भाई, बेच दूँ? नहीं पंखु वाला सही है, उसमें दो है ना, एक बड़ा भी है उसमें। नहीं तो गाइस अभी अपना जो छोटा मोटा खाने का काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया, और ये रहा हमारा टेंट, और सामने है तुंगनाथ बाबा जी का मंदिर। और हम तीनों जा रहे हैं अभी पानी लेने के लिए और करेंगे चंद्रशिला के दर्शन। अभी हम निकल रहे हैं वहीं पे। पानी है क्या? टेंट को हमने ऐसे छोड़ दिया खुला भाई, सारे हम ही देख रहे हैं भाई हमारा टेंट को ही। तो यहाँ पे अभी तक किसी ने भी टेंट पिच करने की कोशिश नहीं की गई है, तो पहला टेंट हमारा ही है। 5 मिनट इतनी जबरदस्त नींद आई है मुझे कि बेहिसाब नींद। तो फिलहाल दर्शन कर लेते चंद्रशिला के। अभी हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है, तो भाई ये चढ़ाई बहुत ही खतरनाक है। इसको हम बैग के साथ अपना नहीं ऊपर चढ़ सकते थे क्योंकि हमारे बैग का जो वेट है वो अप्रॉक्स 20-30 किलो है।
मेरे हाथ में DSLR है, हम ऊपर चंद्रशिला में जाकर के फोटो खींचेंगे। तो इस टाइम हम खड़े हैं 12,000 फीट ऊपर, मतलब ये आप आइडिया लगा सकते हो कि जो माउंटेन एवरेस्ट है उसका आधा हिस्सा हमने चढ़ लिया है ऊपर और आधा बाकी है। तो भाई ये नज़ारे हैं, तो हम अपने दोनों क्रू मेंबर से पूछना चाहेंगे जो कि यहाँ पे बहुत कूल डूड लग रहे हैं। इट्स रियली फीलिंग ऑसम और वी कैन सी द हिमालयस फ्रॉम हियर, really beautiful view of Himalayas, seriously। और दूसरी बात भाई, ये जो माउंटेन्स है ना दिख रहे हैं ऐसे ऐसे बादल के पास, ये माउंटेन भाई, ये माउंटेन्स इतने गजब फील दे रहे ना, इतनी गजब फील दे रहे ना, मैं आपको सवेरे व्यू दिखाऊंगा और फील दे रहे हैं कि रील बना ली जाए। और भाई ये जो नीचे बादल है ना, इनमें बिजली कड़क रही है और ये नीचे बरसेंगे, ठीक है। हम इस टाइम बहुत ज्यादा ऊपर है भाई, इतने ज्यादा एफर्ट्स करके भाई यहाँ तक हम पहुंचे हैं। और भाई बिना डरे हमने अपना टेंट जो है पिच कर दिया एक जगह, क्या है तेंदुए ना कहाँ भाई, तेंदुआ तीन है, दो तीन है और कुछ और है, तेंदुए नहीं है वो बकरियां है भाई, तेंदुआ ये बहुत सारे हैं, ये यहाँ पे देख लीजिए, तेंदुए नहीं है बकरियां, बकरियां हैं पहाड़ी बकरियां, नहीं भाई तेंदुए हैं ये, तो नीचे को कितने हैं भाई, भाई यहाँ पे खड़े होके ना डर सा लग रहा है, चक्कर आ रहा है पीछे रहना है ना। तो भाई ये बहुत ही खतरनाक जगह है, अब नीचे पता नहीं तेंदुआ है क्या है भाई, हमने लाइट में लेके आया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ निकलो यहाँ से जल्दी से, दर्शन करते हैं और नीचे आते हैं क्योंकि ऊपर कोई भी नहीं है अभी, शायद पुजारी भी ना मिले, फिर क्या करोगे। इस चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते मैंने एक चीज ये नोटिस कर ली है, जो बंदा केदारनाथ जाते हुए थका नहीं, जो बंदा खीर गंगा नहीं थका, जो बंदा इतने ट्रैक कर लिए कहीं नहीं थका, आज वो बंदा चंद्रशिला ट्रैक पे लटक चुका है भाई। तो आप सोच सकते हो क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लो हो चुका है भाई का, तो भाई का कुछ करते है जुगाड़ भाई, और पानी यहाँ नहीं है। तो भाई चूहे यहाँ पे इतने खतरनाक है ना, और इतने मोटे मोटे चूहे हैं, ओ भाई कहीं हमारे टेंट में ना घुस जाए चूहे, वो नीचे हमारा टेंट है भाई। बारिश एक बार फिर से स्टार्ट हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में। भाई बारिश ऐसी है ना रुक रुक के आ रही है, तो मैंने सोचा था यहाँ पे कुछ एक फोटो शूट करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ऐसे रात के टाइम चंद्रशिला के नजारे, तो अभी हम चलते हैं नीचे अपने टेंट के पास। तो आधी रात को भाई हम पानी यहाँ से भर, आधी तो रात क्या हुई है 8 बज चुके हैं और हमें पानी ऊपर चंद्रशिला में नहीं मिला, और पानी भर रहे हैं हम यहाँ पे एक छोटा सा ये बनाया हुआ था चैम्बर सा, और इसको हम अब अच्छे से उबालेंगे और छानेंगे फिर पियेंगे क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है भाई। क्या हो गया, फिर गिलासों में जाएगा नहीं ना, ये बहुत चौड़ा है, पहले जहाँ पे डाले वो जल जाएगा नहीं तो, वो इसके अंदर में कीड़े कीड़े भी हैं, और देखो जो नाच रहे हैं अभी सारे कीड़े बाहर हो गए, तो अभी वही अब डायरेक्ट इसको छाना जाएगा, छानने के बाद जो है इसको उबाला जाएगा। कुछ है नहीं है ना, और यार तू भाई हवा कर दो कह रहा हूँ, बहुत खतरनाक हवा है यार। रात के 8:30 बजे अब बन रही है हमारी चाय, क्योंकि भाई आप देख सकते हो जो पूरा सेटअप है ना वो पूरा मैसिव हो चुका है, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश बहुत तेज़, और यहाँ पे चौहान की भाई हालत बहुत ख़राब हो गई थी और ये सो गया है क्योंकि खाना अभी तक कम ने खाया नहीं है। और दीपक भाई जो है अभी बना रहे हैं चाय, और चाय के साथ हमने छोटे मोटे स्नैक्स हैं, और ये पानी आपको पता है हम कहाँ से भर के लेके आए हैं, मैगी वहाँ पड़ी है तो मैगी भी बनाएंगे, प्लस जो MTR का फूड था वो हम खा चुके हैं जब हम ऊपर चंद्रशिला चढ़ाई करने के लिए गए थे। इससे पहले भाई हमारी ना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, आवाज़ तो क्या भाई मैं भूल गया था चंद्रशिला को चंद्रनान बोल रहा था, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था मैं, तो सच में मैं हिल चुका था उस टाइम। तो अभी थोड़ा सा कंट्रोल आया है क्योंकि MTR का फूड खाने के बाद थोड़ी एनर्जी आई थी,
और अब चाय की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है भाई, ये तो नहीं खराब हो जाएंगे कहीं। चौहान उठ भाई, को अभी भूख नहीं है भाई, डिहाइड्रेशन लेवल बढ़ रहा, तो चाय पियो ना, चाय पानी पियो ना फिर आप। मिस्टर चौहान चलो बिस्कुट ले रहा, चलो चलो चलो। तो प्लान चेंज हो गया, अब चाय भाई, बादल गरज रहे हैं बहुत तगड़े। तो भाई हो चुकी है चाय तैयार, चलनी चलनी तो है नहीं। पंकू के पास थी चलनी भी है ना। हाँ क्या होता है भाई, जब आप बाहर घर से बाहर निकलते हो ना, तो आपको जो मिले वो चुपचाप आंखें बंद करके खा लो। और भाई देखो पत्ती ऊपर ही तैर रही है आज, तो भाई सच में खतरनाक सीन हो गया। भाई आराम से, क्या हो गया? हम बागी हैं, हमारे पास कोई भी नहीं आएगा। भैया अपनी हालत बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, और अभी जा रहे हैं हम सोने, और मिलते हैं आपसे सवेरे, देखते हैं क्या हालात रहते हैं रात को, बारिश में हमारा टेंट बच पाता है या नहीं। रात को देखते हैं बारिश कितनी ज़्यादा हैवी होती है, क्योंकि हमारा अकेला ही टेंट यहाँ पे एक ऐसा लगा हुआ है जो कि पूरे तुंगनाथ में सिर्फ हम अकेले हैं। अब पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, गुड नाइट, मिलते हैं सवेरे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रेमनिंग बाउंड्रीज। सुबह के बज रहे हैं पूरे 5। रात को भाई इतनी तेज़ बारिश हुई है ना यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक, और दूसरी हवा इतनी तेज चली हुई थी भाई, हमने सोचा कि हमारा टेंट जो है उड़ जाएगा, बट टेंट जो है सेफ है। और दीपक भाई सवेरे सवेरे उठ के बाहर वॉक पे चले हुए हैं, और ये हमारा सामान है सारा जो हमने बिखेर के रखा है। रात को चाय बनाई थी वो भी नहीं पी हमने। तो लोग सवेरे सवेरे चंद्रशिला के दर्शन करने जा रहे हैं, हम अपने टेंट से निकल के बाहर आ रहे हैं। यार मज़ा आ रहा है इस मौसम को देख के, मैं भी निकलता हूँ बाहर। तो ये रात को चीनी हमने यहाँ पे की हुई थी भाई, चाय वगैरह ये सारे हम अपने साथ ही ले जाएंगे, जितना भी सामान है। फेस दिखाई नहीं दे रहा इनका। गुड मॉर्निंग, अब ठीक हो? चल उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, बाहर कितना प्यारा व्यू है भाई, जबरदस्त मज़ेदार लाजवाब। बजकर 28 मिनट हो चुके हैं, और लोगों ने यहाँ पे चढ़ाई शुरू कर दी, और मैक्सिमम लोग जो है भाई ऊपर पहुँच भी गए हैं दर्शन करने के लिए। और इस साइड से अभी सूरज देवता जो है दर्शन देने ही वाले हैं, और भाई पूरी वैली का व्यू इतना ज़बरदस्त शानदार और जनाटेदार है ना कि मैं क्या शब्दों में बयां करूं। और दूसरा भाई, अगर आप यहां पे टेंट लगा रहे हो ना, तो थोड़ा सा देख के सोच समझ के ही टेंट लगाओ, क्योंकि भाई जब हमने यहां पे टेंट रात को लगाया था, रात को क्या जिस टाइम थोड़ा बहुत उजाला था, हमने टेंट लगाया यहां पे, एक तो पानी नहीं है, दूसरी बात खाना बनाया, हमें खाने की भूख ही नहीं रही क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। और टेंट लगाया रात को, बारिश इतनी तेज़ और हवा भाई बेखौफ हवा, हमने सोचा हमारा टेंट यहाँ पर टिकेगा नहीं, बट और हमने यहाँ पे किसी से पूछा नहीं था टेंट लगाने के लिए, बट यहाँ पे अगर आप टेंट लगा रहे हो ना, तो एक बार नीचे किसी से पूछ लो। हमने इमरजेंसी में टेंट लगा दिया था, तो ये सब चीज़ें जो ध्यान में रखो। आप हमारी किलियाँ देख सकते हो भाई, एक तो ये निकली गई है बाहर इतनी तेज़ हवा थी, और ये उखड़ने वाली थी। इस पूरी वैली में ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा दृश्य देते हैं। गाइस आप नीचे देख सकते हो यार, लोग ट्रैक करके ऊपर आ रहे हैं, मतलब इन्होंने ट्रैक जो है भाई 4 बजे शुरू कर दिया होगा, और अभी जो है यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो आप देख सकते हो नज़ारा भाई, लोग सवेरे सवेरे ट्रैक करके दर्शन का लाभ उठा करके और अपना नीचे चले जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैक यहाँ पे है नहीं। और चंद्रशिला तक जाने के लिए आपको तकरीबन 1 घंटे का समय चाहिए, आपने रात का व्यू देखा होगा। का सारा सामान हमारा क्लोज हो चुका है, और जो भी हमारा जितना वेस्ट मटेरियल था, जैसे कचरा था कुछ भी है, वो सारा का सारा हम साथ ही लेके जाएंगे, और यहाँ पे हमने कुछ नहीं फेंका है। हम भी पूरी तरह से तैयार है नीचे चलने के लिए, और एक बार फिर से आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम कल मंदिर के दर्शन इतने अच्छे हो नहीं पाए थे, क्योंकि भाई वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो अभी फिर से भीड़ एक बार बढ़ने लगी है भाई, जवान लड़खड़ा रही है, पता नहीं हो क्या रहा है, पानी अभी तक पिया नहीं है। तो चलते हैं सीधा नीचे। जब भी आप तुंगनाथ दर्शन करने के लिए आओ, तो अपने लिए एक जैकेट रेनकोट ये मैंडेटरी है, इसको लेकर के आएँ। और यहाँ पे सराय हैं, तो सराय में आपको रूम्स मिल जाते हैं अगर आपने यहाँ पे रुकना हो, बट यहाँ पे ट्रैकिंग जो है 4:30
3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है और आपको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे यहाँ पे पहुँचने के लिए लगते हैं। और मैक्सिमम पर्सन मैंने ऐसे देखे हैं जो यहाँ पे दर्शन करने के बाद जो है सीधा नीचे चले जाते हैं, यानी कि आना और जाना करते हैं। कल मेरा मोबाइल जो है शट डाउन हो गया था, गोप्रो, तो ये नज़ारे भाई मिस हो गए थे। अब आप देख सकते हो भाई कि चंद्रशिला क्यों बोला जाता है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो पत्थर भी है ना भाई, ये भी बहुत ज़्यादा चमक मारते हैं रात के टाइम, जिस टाइम चांदनी रात होती है ना, तो ये पत्थर बहुत तेज चमकते। वहाँ पे जाके हम फोटो खिंचवाएंगे, जो शिला है एक बहुत ख़तरनाक वाली, वहाँ पे जाएंगे। दीपक भाई ने काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ी और वो नीचे चले गए। बस ये पत्थर थोड़े से ढीले से पत्थर है, नीचे गिर सकते हैं। ये स्टार्टिंग में ऐसे 200 मीटर इससे ऊपर नहीं है। तो एक बार फिर से लेके चलते हैं आपको तुंगनाथ टेंपल। मॉर्निंग व्यू, 6:12 हो चुके हैं अभी और हम फिर से तुंगनाथ टेंपल जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, पूजा चली गई। भाई अंदर से दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा यार। भाई यहाँ से तो आधा काटते हैं ना भाई, आधा काटते हैं, पूरा नहीं काटते, संपूर्ण परिक्रमा रखिए। पर सुबह यहाँ पे चले मंदिर के दर्शन और पूजा का समय है। उससे पहले जो है ना काल भैरव से पूजा होती है जहाँ पे मंदिर ऊपर है, फिर महानंद पार्वती, फिर होते हैं अंदर भोले बाबा के दर्शन। तो हमने पहले सीधा दर्शन कर लिए थे, अब जाके भैरव बाबा और पार्वती, महानंद की महानंद पार्वती के दर्शन किए हमने अभी से। अभी हम फोटो शूट कर रहे थे और इस बंदे की भाई 200 या 300 फोटोज मैं क्लिक कर चुका हूँ और फिर भी स्टिल बंदा बोल रहा है कि भाई अभी तक मेरी फोटो एक भी नहीं आई। बेचारे दीपक भाई 4 फोटो खींची होंगी, भाई वो 3 फोटो तो यहाँ की है जो ऊपर पत्थर वाली है वो। पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे रूम या टेंट में रहते हो तो भाई सवेरे सवेरे दर्शन भाई बहुत अच्छे होते हैं। अभी इवन हम अंदर शिवलिंग के दर्शन करके आए हैं और अंदर पूरा मत्था टेक के आए हैं, पूरी आरती जो है हमने अभी अटेंड की है। तो कल रात को ऐसा हो नहीं पाया था जब हम 3-4 बजे यहाँ पे दर्शन करने के लिए गए थे और
अभी हमने पूरा अच्छे से व्यू देखा है अंदर भाई, अच्छे से। ये पुजारी जी भाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं कि आप वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हाँ ठीक भी है, अगर आप वीडियो बनाते हो ना तो वहाँ पे सारे के सारे बंदे वीडियो बनाने लग जाते हैं और वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है। तो ये लास्ट टाइम यहाँ से जाने का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है भाई। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट किया है। ये फ़ोटो शूट आपको हमारे पेज इंस्टाग्राम के पेज रैम्बलिंग बाउंड्रीज़ के नाम से है, तो उस पर आपको देखने को मिलेगा। तो रैम्बलिंग बाउंड्रीज़ को फॉलो करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई सुबह सुबह यहाँ के ये नज़ारे देखने को ना दिल तरस जाता है, और जो बंदे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते काफ़ी ज़्यादा प्लान बनाते हैं कि हम तुंगनाथ जाएँगे, केदारनाथ जाएँगे, तो जो नहीं आ पाते उनके लिए भाई मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। जो मैं खुद एक्सपीरियंस लेता हूँ यहाँ पे आकर के, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ भाई। यहाँ पे फिर से वो देखा, चूहे चूहे भाई, बिना पूंछ वाला चूहा ये, वो देखो वो देखो, इनकी पूंछ ही नहीं होती भाई। तो भाई यहाँ पे चूहों के साथ साथ भाई आप देख पा रहे हो यार, जहाँ पे मैं कैमरा घुमा रहा हूँ पॉलोथीन और बोतलें ही बोतलें हैं। लोग अपना कचरा लेके तो आते हैं पर साथ लेके जाने में इनको कुछ प्रॉब्लम होती है। आज ज़बरदस्त सीलाएँ हैं, तो रास्ते रास्ते में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि आपका दिल मोह लेती हैं। अभी हमने जैकेट पहना हुआ है आप देख सकते हो, तो अभी जैसे हम नीचे उतर रहे हैं तो जैकेट उतारने की बारी आ चुकी है, और जैकेट मैं उतार दूंगा क्योंकि ऊपर ठंड थी, बहुत तेज़ हवाएं चली थी। चंद्रशिला में जो है भाई बहुत ख़तरनाक माहौल था, ठंडी इतनी ज़्यादा हो गई थी। देखो यहाँ पर ना शिलाएँ बनाई हुई है इकट्ठी करके, बीच में स्टिंग फेंका हुआ है। 7:37 ओम नमः शिवाय, जय गणेशाय नमः। तो गणेश जी की स्टार्टिंग में मूर्ति है, तो पूजा करके आप ऊपर अपने दर्शन कर सकते हो। 6 से 7 महीनों तक यहाँ पे जो ये सारा एरिया है ये रहता है बर्फ़ से ढका हुआ, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यात्रा बंद रहती है क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे चलना नामुमकिन सा हो जाता है। लोग नो डाउट आते हैं यहाँ पे, फिर भी जो ट्रैकर्स होते हैं वो आते हैं। हम ऊपर से 7:30 चले थे और 8:39 हम यहाँ पे नीचे अभी पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे भी भारी बारिश हुई। अब देखते हैं हमारी गाड़ी का क्या हाल है। तो ट्रैफिक भाई रुकने का नाम तो ले ही नहीं रही, और भाई हम जो पहाड़ी आपको दिख रही है ना सामने, इसके हाँ पर उस साइड वाली, ये वाली नहीं उसके पीछे वाली, तो इसकी सबसे टॉप पे हम गए हुए थे। यहाँ पे सिंगल हमारी गाड़ी खड़ी है भाई, देखो ये है रेनकोट जो बंदे अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, और यहाँ फेंक दिया, अपना काम निकलता है, काम खत्म हो गया तो फेंक दिया। और फेंक दिया है डस्टबिन में, थोड़ा फेंकेंगे भाई, वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा कष्ट होता है, 2 कदम और चलना पड़ता है। ये भी रेनकोट है, मैक्सिमम आपको यहाँ पे रेनकोट गिरे हुए मिलेंगे। बोतलें तो यहाँ पे इतनी अंधाधुंध बोतलें है ना भाई गिरी हुई, और भाई कितने प्यारे यार देखो नज़ारा। ये है भाई लिंगड़ू, हमारे यहाँ पे लिंगड़ू बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको बताना हमें। ये लिंगड़ू है भाई, क्या बात है भाई, सब्जी बनती है इसकी बहुत अच्छी, हमारे हिमाचल में लिंगड़ू बोलते हैं भाई, तो आपके क्या बोलते हैं आप हमें बता सकते हो उत्तराखंड में। वैसे ये पानी की जगह बहुत ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे पानी नहीं है, बारिश कभी भी हो जाती है, तो यहाँ पे ये ऐसे किनारों किनारों में लगा हुआ है। आप देख सकते हो हमारी गाड़ी सबसे अकेले में खड़ी है, और किसी की गाड़ी यहाँ पे नहीं है भाई। इतने टाइम के बाद गाड़ी देख के ना बहुत अच्छा फील हो रहा है, बारिश बहुत अच्छी हुई है, गाड़ी देख सकते हो आप पूरी गंदी हुई पड़ी है। ओम नमः शिवाय। कर 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं हमें, और अब हमने यहाँ से अपना सफर किया घर की तरफ शुरू। तो गाइज आप अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे खड़ी कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती ना, कोई चोरी शिकारी ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता है जैसा केदारनाथ में होता है, कि भाई आप अगर गाड़ी गलत जगह खड़ी करोगे तो डैमेज करके जाती है बसेस। बट ये है कि हाँ आप अपनी गाड़ी जो है एक पर्टिकुलर एरिया में खड़ी रखो, ताकि जो है आपकी गाड़ी सेफ रहे और दूसरे बंदों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और थकान के साथ भरपूर हम सभी पर कुछ एक हाँ, और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मेमोरी लेके जा रहे हैं भाई यहाँ से। अब तो टोटली फ्रेश हो चुके, टोटली फ्रेश भाई, गाड़ी में बैठते एकदम फ्रेशनेस आ जाती है,
और अभी हमारा यहाँ से लेके चंडीगढ़ तक का कम से कम 11 से 12 घंटे का सफर रहने वाला है। बैटरी है, अब क्या करूं? बहुत है 47। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे धारी देवी के मंदिर में। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जब टाइम मिलेगा तो हम पक्का जाएंगे, और अभी टाइम है 1:37 और हम नीचे पहुंचने वाले हैं। जय माता दी। और क्लोज आ चुके हैं धारी देवी माता के पास, और लोग भाई पानी में नहा रहे क्योंकि गर्मी बहुत तेज हो रखी है यहाँ पे। सबसे पहले तो भाई हाथ और पैर इनमें जरूरी है, ओम नमः शिवाय, ये शुद्धिकरण होता है। तो ये कुछ रास्ता इस तरीके से बनाया हुआ है, और ठंडी हवा आ रही है ना, ये छांव तो मेरे को इसमें दिख ही नहीं रहा कुछ भाई। 10,000 का चश्मा बेकार निकला ये भाई, 10,000 अंधेरे को नहीं देखता। भाई इतनी ज्यादा गर्मी, पेशेंस लेवल भाई डाउन होता जा रहा है। गाड़ी का अंदर से भाई पूरा चिल्ड हो रखी है भाई पूरी, है ना भाई, बैठे कैसे, जैकेट जुकरे निकालो। माता धारी देवी से मैंने ये बाइक किया है केदारनाथ जी का मंदिर। और तो इस रोड में जो है भाई पुरानी यादें ताजा हो गई। अगर आपने हमारी वीडियोज नहीं देखी है ऋषिकेश वाली तो आप जाकर के चेक कर सकते हो। फिलहाल ये है हमारे पीछे से जाम कुछ इस टाइप में, और आगे से हल्का हल्का जैसे चींटियां सरकती हैं वैसे सरक रहे हैं भाई। भाई रात के बजे में 1:16, और यहाँ पे चला है डेटा कॉपी का, डेटा ट्रांसफर का काम। और भाई हम सक्सेसफुली अपना ट्रिप कंप्लीट करके यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और हमारा ट्रिप जो है भाई एकदम शानदार, ज़बरदस्त और झनाटेदार रहा है इस बार। और जो गाड़ी ने भाई कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दी है, क्लच प्लेटों का काम भाई अब हम मिनिट्री है। चंडीगढ़ से लेकर के चौपटा तक का जो डिस्टेंस था आना और जाना 873 किलोमीटर हमें अभी तक जो है शो कर रहा है गाड़ी में, जो कि अच्छा था। और गाड़ी की एवरेज भी हमारी अच्छी आई हुई है क्योंकि इसने अप्रोक्स 6 या 7 हज़ार का तेल जो है गाड़ी हमारी खा चुकी है वहाँ तक, क्योंकि हमारी जो जिस टाइम हमने गाड़ी की टंकी फुल करवाई थी तो ये बता रही थी 723 किलोमीटर जा सकती है उसमें, और अभी गाड़ी की जो एवरेज है 12 की एवरेज के हिसाब से अभी गाड़ी ने ठीक एवरेज दिया भाई। गाड़ी को हमने बहुत गंदे तरीके से भगाया था, और चढ़ाई फिर उसके बाद ट्रैफिक जैम और ये सब चीज़ें मिला करके जो है हमारा ट्रिप पूरा अच्छी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। और हमारे साथी भी थक चुके हैं, अभी बहुत दूर जाना है इन्होंने। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद। ओके दीपक भाई, ओके, हैप्पी जर्नी फिर से। कितना, कम से कम 1 घंटा तो लग जाएगा आपको। 1:30 बज गए। हाँ ठीक है, आराम से जाना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे। ओके बाय।